आज मेरा एक्सीडेंट हो जाता, मैं बाल बाल बची हूँ, बाल बाल बची हूँ। हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मैं मेरे चैनल के बायो में भी है, तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज है मेरे साथ मेरे फुल फैमिली, फुल तो नहीं कहूँगी, आधे फैमिली, आधे तो घर में ही है। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, और घूमने हम जा रहे हैं दार्जिलिंग, क्योंकि पहले भी हम जा चुके हैं दार्जिलिंग, ठीक है। लेकिन मेरी दीदी जो है वो नहीं गई है दार्जिलिंग, तो उसने कहा कि हमें दार्जिलिंग ही जाना है। तो इस वजह से हम दार्जिलिंग जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है, आपने ब्लॉग पहले वाला देखा होगा कि मेरे जीजा जी आए हैं एक मंथ की छुट्टी के लिए, और उनका छुट्टी जो है कंप्लीट होने वाला है, तो हमने सोचा कि उनका छुट्टी कंप्लीट हो उससे पहले हम घूम के आते हैं। तो ये आप वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप फुल वीडियो देखिए और इंजॉय करिए, ठीक है। सो गाइस, अंबिका को देखो, बहुत ही सुंदर लग रही है। अब मम्मी भी देखो, मम्मी के बाल देखो उड़ रहे हैं। और ये है मनन पीछे बैठे, मनन हंस दे, मम्मी ने इनके डिंपल दिखे आप माही, ओली वाओ, ये माही। और ये मेरे जीजा जी, इधर देखिए जीजा जी, और आप उनको तो जानते ही है, मिस्टर रजत। और ये देखिए दूतोला, देखे थी मैं, हंस दे हंस दे, मजा ले, अरे हंस दे ना। तो हम लोग जा रहे हैं, चलो गाइस, हम यहाँ पे रुके हैं क्योंकि हमें थोड़ा मेडिसिन हमने ले लिया, क्योंकि हम लोग ये इन लोगों का आपसे सर दुखने लग गया है, मुझे नहीं लगता है। ये तो पहली दफा जा रही है ना, तू ये हिल्स गई थी पहले कब? सिक्किम, वो हाँ सिक्किम गई थी, ये सेकंड टाइम जा रही है। उल्टी हुआ था तब? उल्टी तो नहीं हुआ था, तो सबने मेरी दीदी का अभी से तबीयत खराब है, सिर दर्द हो रहा है, तो चलो उसे कल से ही सर दर्द। तो चलो हम लोग चलते, ज्यादा बकवास ना करते हुए हम लोग निकलते हैं, ठीक है। जैसे ही हम ऊपर चढ़ने लगे, यहाँ पे होने लगा था बारिश, ठीक है। और बारिश जो था वो ऐसा नहीं था कि थोड़ा थोड़ा था, लेकिन बहुत भयंकर बारिश शुरू हो गया था। लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं था कि ऊपर का वेदर कैसा है। अभी तक हम थोड़े वो प्लेन में ही हैं, हम हिल्स नहीं चढ़े हैं। और हम जैसे ही हिल्स पर एंटर करते हैं, यहाँ पे हमने देखा, हे भगवान, तौबा तौबा, क्लाउडी, मतलब चारों तरफ फगी ही फगी। और हम सोच रहे थे कि हम कैसे टाइम पे दार्जिलिंग आ गए, यहाँ पे क्लाउडी ही क्लाउडी है, समझ में नहीं आ रहा था। बारिश हो रही थी, क्लाउडी था, चारों तरफ कोहरा था। इधर मेरी दीदी उल्टी करके बेहोश हो गई थी, साथ में उसकी बच्ची भी, माही भी। और हम ये मौसम देख रहे थे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। ये आधा रास्ता था जब हम जा रहे थे, हम सोच रहे थे कि अब हम करें तो क्या करें, ऊपर चढ़े या फिर नीचे उतर जाए। बाप रे, इतना ज़्यादा फॉगी था, चारों तरफ कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं सोच रही थी कि अब हम करें तो क्या, मतलब हम घर को वापस आ जाए या फिर हम ऊपर जाए, कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। मेरी दीदी यहाँ पे थोड़ा मतलब रेस्ट वेस्ट करके वो उठ के वीडियो बना रही थी, तो मैंने पूछा सबको कि अब हम क्या करें, हमें वापस जाना चाहिए या फिर हम ऊपर ही चढ़े। तो सब ने कहा कि चलो इतने दूर आ चुके हैं तो हम चलो ऊपर ही चढ़ते हैं। जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, यहाँ पे शुरू हो गई थी एकदम भयंकर वाला बारिश, जो कि हमने सोचा भी नहीं था कि ऊपर इतना बारिश होगा। और हम यहाँ पे आए थे घूमने, और हमें समझ में नहीं आ रहा था अब हम कैसे घूमें, क्योंकि इतना क्लाउडी के बाद अचानक से बारिश शुरू हो गया।
और तो और हम वैसे ही मेरे दीदी मेरे जो बेट मतलब मेरी दीदी है और दीदी की जो बेटी माही वो उल्टी कर कर के पूरा रास्ता आया था और हम लोग वहीं पे हम सोच रहे थे कि हम क्या करें और यहाँ तक हमें कोई आइडिया नहीं था कि मेरा आज एक्सीडेंट होते होते बच जाएगा। यहाँ पे आ रहा था ट्रेन और दीपक ने मुझे कहा कि तू ट्रेन के पीछे भागना, मैं तेरा एक शॉट लूँगा, वो DDLJ में जो शाहरुख खान और काजोल का होता है ना वैसे ही। और मैं यहाँ पे देखी भी नहीं और मैं दौड़ गई और ये देखो इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया। दोनों तरफ से गाड़ी आ रहा था और मैं इतना डर गई, बाप रे। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो मैं गलती कर रही थी वो आप गलती मत करिएगा। रोड क्रॉस होते वक्त एकदम सावधानी से जाइएगा, वरना मैंने जो आज मेरे साथ जो हो जाता ना पता नहीं क्या हो जाता, बहुत डर गई थी मैं। और हम यहाँ पे जा रहे हैं सब लोग, सबने ये तीनों की तीनों ने उल्टी करा है, उन लोगों को देख के मेरा भी ये हो रहा था। चलो फिर बता से चलते हैं, चलो बन गए। कैसा लगा उल्टी मास्टर आई लव दार्जिलिंग और ये आई लव दार्जिलिंग में दो क्वीन राखी खुलुंग राय अंबिका खुलुंग राय, ठीक है। तो हम जा रहे हैं दार्जिलिंग, आई लव दार्जिलिंग, जैसे कि हम पहले भी आ चुके थे दार्जिलिंग पर, आज हम आए हैं बस आए हैं हम घुमाने इस छोटे छोटे बच्चों को, तो क्योंकि हम पहले आ चुके थे। फोटो 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 माही कत तो राम जी दे दे जाओ, क्यों देख के हेलो आंदे हो सीटो ना मम्मी तब हम ये लुगा लाऊं ना हो ये हूँ मैं कंजी वाला वीडियो बनाऊं तो मेरे को देखो यहाँ बड़ा ओए है कुछ तो हमें देखो यहाँ बड़ा हो नहीं वाइट में जाने से तो दामी देखेगो कुछ तो दामी देखते रह जा यहाँ से दूरबीन का था नहीं देख पाए हम। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमें और दूसरे जगह भी जाना है। अभी वेदर बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है, इस वजह से बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोज आए। मेरे जितने भी ये फोटोज हैं ना आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और मैं मेरे चैनल के बायो में भी है, तो वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, ठीक है। अब हम बतासी घूम के अब हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है और अब हम करेंगे लंच और देखते हैं कि कहाँ जाना है हमें। भूख लगा है, बहुत ही तेज़ भूख लगा है मुझे, बहुत तेज़ भूख लगा है। और अभी यहाँ पे क्लाउडी था और अभी इतना धूप हो गया है तो हिल्स के मौसम का कोई भी मतलब भरोसा नहीं होता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जज्बात बदल देते हैं ठंड में जज्बात बदल देते हैं, मतलब हाई टॉप। चलो बहुत भूख लगी है क्या खाओगे माई? चाउमीन चाउमीन का। तो ये है नज़ारा और हम आए यहाँ पे खाना खाने के लिए और ये मैं तो यहाँ पे हमारा लंच आ चुका है। हमारा लंच देखा था।
खाते रहे हैं की चीज खाओ जा ना सॉल्ट वाल वो भी है। अब हम लोग जा रहे हैं सब रास्ता पे जो कि मैं पहले जा चुकी हूँ, फिर से जा रही हूँ क्योंकि दार्जिलिंग आकर चौरास्ता ना आए तो क्या ही दार्जिलिंग आए। सही कहा ना मैंने? गर्नु आटेको थियो त्यतिखेर कस्तो खालको तल यता बना भने त्यसले। चलो चलो गाइस हम भी चलते यता दुईजनी र मनन कस्तो लाग्यो? आपको कैसा लगा? कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? मेरे को आपको अच्छा लगा? आपको कैसा लगा बता? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैंने सोच कर इतना अच्छा नहीं था। वाओ पागल लड़की। चलो 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 मैं फिर से आ गई। ये कौन जगह है रे? चौरास्ता। चौरास्ता मम्मी कौन जगह है? चौरास्ता है। चौरास्ता बहुत अच्छा है। आप सब आना। हिंदी में नो मो हिंदी ना छोड़ देना। चौरास्ता घूमने के बाद हमें लग रही थी ठंड, तो ठंड को भगाने के लिए हमने सोचा कि क्यों ना कॉफ़ी पिया जाए। तो हम यहाँ पे आ गए हैं कॉफ़ी पीने के लिए और मेरे को तो कॉफ़ी की क्रेविंग हो रही थी क्योंकि आजकल मैंने ना बहुत दिन हो चुका है मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती थी और मैंने चाय पीना छोड़ दिया है। फिर मैंने मेरा आदत हो गया है कॉफ़ी पीने का, तो अब मुझे 4 बजे 5 बजे मुझे कॉफ़ी चाहिए ही, इवनिंग को मुझे कॉफ़ी चाहिए ही। तो यहाँ पर हमारा कॉफ़ी आ चुका था, लेकिन कॉफ़ी जो मैंने पिया ना तो वो कॉफ़ी था वाह अच्छा था। मतलब झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, अच्छा था। जो अच्छा नहीं होता है तो मैं अच्छा नहीं है बोलती हूँ, जो अच्छा होता है अच्छा मैं अच्छा ही बोलती हूँ। और यहाँ पे हमने कॉफ़ी पीने के बाद हमने करा चीयर्स। तो ये क्या है ना, ये हमारा स्टाइल है, आर के आर का स्टाइल है ये। मतलब आर के आर मतलब कौन? मैं राखी कुलूंग राय, समझ गए ना? हाँ, तो यहाँ पे हमने कॉफ़ी पिया, खूब सारा मस्ती भी करा। यहाँ पे मेरी दीदी नहीं दिख रही थी क्योंकि मेरे दीदी के दोनों बच्चे वो जो पीछे आ रहे हैं ना उनको लगा था सुसु, तो इसके वजह से वो चली गई थी ऊपर। वहाँ पे ऊपर बैठने का भी बैठने का भी जगह, लेकिन हमने सोचा कि क्यों बैठे, हम देखेंगे ना। फिर तो यहाँ पर हम चारों तरफ घूम घाम के सारा दार्जिलिंग में इंजॉय करके अब हम यहाँ पर चला रहे थे घर। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।